गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। तो आज की क्लास बड़ी अजीब है, बट आज का टॉपिक बड़ा सरल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लिखने में नहीं आ रहा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे हम, और क्यूबॉइड के साथ साथ उसका चचेरा भाई हमेशा साथ में चलता है, जो की है क्यूब, बोलने की जरूरत नहीं। क्यूबॉइड एंड क्यूब की एक एक्सरसाइज रहती है, इसका इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि कर चुके हैं, एंड इवन फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। तो फटाफट से फॉर्मूला बता दीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब का। क्यूबॉइड का तो होता है एल बी एच, और क्यूब का क्या होता है ए क्यूब। इन दो फॉर्मूला पे ये पूरी एक्सरसाइज रिवॉल्व करती है। जिस किसी को इसका इंट्रोडक्शन देखना है तो उसको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज। पेज नंबर बोलना 228। ओके, चलिए देखिए। हाँ जी प्लीज, आवाज नहीं। सो क्वेश्चन नंबर वन इज, पता नहीं रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर वन इज ए मैच बॉक्स। अरे एक जना यहाँ आ जाओ, आप में से एक जना यहाँ आ जाओ, उसको पीछे वाले को दिख जाएगा। साक्षी आप यहाँ आ जाओ, या आप फिर उसको नहीं दिखेगा, आप यहाँ आ जाओ। दिख रहा है, ठीक है। ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 cm × 2.5 cm × 1.5। मैच बॉक्स समझते हो, माचिस की डिब्बी जो होती है, क्यूबॉइड होती है, क्यूबॉइडल होती है ना। क्या मेजरमेंट दे रखी है, 4 × 2.5 × 1.5। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो ऐसा एक पैकेट जिसके अंदर 12 माचिस की डिब्बियां हैं, उस पूरे पैकेट का क्या वॉल्यूम होगा। तो लॉजिक देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनो लॉजिक क्या कहता है। लॉजिक ये कहता है कि अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है और ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाकर एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, तो उस बड़े ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो छोटे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम का उतना ही टाइम्स होगा जितने उसमें आपने रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12 बॉक्सेस रखे हैं, तो आप एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लें और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, किससे कर दें, 12 से मल्टीप्लाई कर दें, देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। कभी माचिस लेने गए हो बाजार में, दुकान पे, तो गए होंगे तो देखो जो बॉक्स, जो माचिस की डिब्बी होती है वो एक बड़े पैकेट में होती है, स्क्वायर बॉक्स होता है ना, जैसे चॉक बॉक्स होता है वैसे एक बॉक्स होता है। तो उसमें मान लो 12 बॉक्सेस है, तो आपसे पूछा है कि उस बड़े पैकेट का क्या वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो जैसे माचिस की डिब्बी ने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो एक के ऊपर ऐसे करके 12 बॉक्सेस का एक पूरा पैकेट बन गया, तो अब उसने कितना ऑक्यूपाई किया, तो आप एक का वॉल्यूम निकाल लो, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, इजी। चलिए तो देखो, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और ये हो गई हाइट। चलो निकालना शुरू करो, निकल गया, चलो मैच करते हैं फिर। लेंथ इज 4 cm, ब्रेथ इज 2.5 cm, एंड हाइट इज वॉट 1.5 cm। सो वॉल्यूम विल बी एल इंटू बी इंटू एच। तो 4 × 2.5 × 1.5, तो करना मल्टीप्लाई, कितना आता है देखो, 6 तो ये हो गया, 4 × 1.5 6 हो गया, और 6 × 2.5 18 सेंटीमीटर 15 होगा, 1 second, 6 × 2 = 12, हाँ 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम तो एक ही बॉक्स का है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स है ये। अब पूरे पैकेट में कितने बॉक्सेस हैं, 12। तो मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस विल बी इक्वल टू 15 × 12, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर 180 cm आंसर, ठीक है। हेंस लास्ट में हम लिख देंगे, हेंस वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 180 cm, ठीक है। कोई डाउट, दैट वाज एन इजी वन टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन देखते, ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 meter लॉन्ग। अब क्यूबॉइड वाटर टैंक है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 6 meter लंबा, और 5 meter वो उसकी विड्थ है,
और 4.5 meters उसकी डेप्थ है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, उसके अंदर कितना लीटर पानी हम डाल सकते हैं। ठीक है, चलो लीटर पे बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो पानी उसके वॉल्यूम में होगा, उसकी सरफेस पे होगा, बताओ वॉल्यूम में होगा, तो उसमें कितना पानी डाल सकते हैं उसके लिए वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। वेरी क्लियर, ठीक है। तो लेंथ है हमारे पास 6 meters, जो अपने को अलग से नोट डाउन करनी पड़ेगी जैसे क्वेश्चन में गिवन हो, 5 meters, एंड देन हाइट इज 4.5 meters, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 6 × 5 × 4.5, 6×5 = 30 × 4.5, तो 34 × 120 और 15 × 135 m³। ठीक है, कैसे जल्दी से किया मैंने, 30 × 4 = 120, तो ये हो गए, और 0.5 का मतलब होता है आधा करना, तो 30 का आधा क्या होता है 15, 120 और 15 135 m³, सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट टैंक। बट उसने क्या कहा कि अब आप ऐसे कह सकते हो कि सर आप उसमें है ना 135 m³ ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हो, ये कहना गलत नहीं होगा, बट ये कहना थोड़ा सा अजीब होगा, क्योंकि पानी को मीटर क्यूब में कैसे कह रहे हैं, सुनने में अजीब आ रहा है। अभी आप दुकान पे जाओ कि है ना, आप जैसे कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो, ऐसे बोलते हो 2 liters की कोल्ड ड्रिंक की बोतल देना, ऐसे कहते हो कभी 100 m³ की कोल्ड ड्रिंक की बोतल देना, अजीब लगेगा। तो इसको लिक्विड चीज को अपने को लीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के जो फंडे हैं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो बेटा 1000 cm³ इक्वल टू होता है 1 liter, 1 liter, ठीक है, लेकिन 1 m³ बराबर होता है 1000 liter। ये दो पॉइंट्स देखो ध्यान से, चाहो तो लिख लो। हेलो, हाँ, अभी मैं क्लास में हूं भाई, ओके चलो। हाँ तो अब इसको याद करने का तरीका सुनो आप, 1000 cm³ इक्वल टू 1 liter है, 1000 cm³ डायमेंशन कैसे बनी होगी सोचो जरा, 3 0 है इसमें, तो कैसे बनी होगी ये 10 × 10, मतलब 10 cm, सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 10 cm × 10 cm × 10 cm से 1000 cm³ बना होगा, बोलो इसी से बना होगा, 10 × 10 × 10 से, ठीक है ना। अब 10 cm लगभग कितना होता है, अंदाजन अंदाजा है ना आपको, आपका स्केल कितने सेंटीमीटर का होता है, 15 cm, तो उससे भी छोटा है, मतलब स्केल से भी छोटा है, इतना सा ही लगभग लंबा, इतना सा ही चौड़ा और इतना सा ही ऊंचा, 10 × 10 × 10। तो एक छोटा भगोना होता है जिसमें अपन दूध लेने जाते हैं दूध वाले भैया से, सो वो 1 liter का होता है, वो क्या होता है मतलब 10 × 10 × 10 का छोटा भगोना होगा, उसमें कितना लीटर कोई भी लिक्विड डाल सकते हो आप, 1 liter डाल सकते हो, तो याद हो जाएगा ना 1000 cm³ इक्वल टू 1 liter। अब 1 m³ डायमेंशन किससे बनी होगी, 1 m² × 1 m² × 1 m², 1 × 1 × 1 × 1 m³ × m³ × m³। अब 1 meter कितना बड़ा होगा, 100 cm के बराबर होगा, यानी कि एक स्केल 15 cm का होता है, लगभग 7-8 scales होंगे तब 1 meter होगा, इतना लंबा, इतना ही चौड़ा और इतना ही गहरा, यानी कि बड़ा भगोना, यानी कि आपने शादियों में देखा होगा बड़े भगोने में खाना बनता है, बड़ा सा भगोना होता है, सो उसमें हम कितने लीटर लिक्विड डाल सकते हैं, 1000 liter लिक्विड डाल सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है। अब अभी आपको क्या करना है, मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब से चेंज करेंगे अपन, 1 m³ में अगर 1000 liter है, 1 m³ में अगर 1000 liter है, तो 135 m³ में कितना हो जाएगा, 135 × 1000 इतना लीटर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या जाएगा, 135000 दिस मच ऑफ लीटर्स आंसर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, पीछे वाले कोई डाउट नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। एक क्यूबॉइडल वेसल है हमारे पास, ठीक है, 10 meter लंबी, 8 meter चौड़ी, हाउ हाई मस्ट इट बी, वो कितनी ऊंची हो, दैट मीन्स उसकी हाइट क्या हो, टू होल्ड 380 cubic meters ऑफ लिक्विड, कि उसमें जो लिक्विड हम स्टोर कर सकते हैं कितना कर सकते हैं, 380, तो एक्चुअली अब की बार वॉल्यूम दी हुई है और लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, क्या पूछ ली, तो सिंपल सी बात है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के फॉर्मूला में कितने एलिमेंट्स हैं, वॉल्यूम इक्वल टू
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, टोटल मिला के चार एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4। आप इसको एक इक्वेशन की तरह कंसिडर करो, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, चार। इन चार में से कोई भी तीन एलिमेंट्स देख के चौथा एलिमेंट पूछ सकता है, फाइन। अभी तक आपको लेंथ ब्रेथ हाइट देखकर वॉल्यूम पूछ रहा था, ये भी चौथा एलिमेंट ही है, और इस क्वेश्चन में क्या कर दिया उसने, ये दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, और ये पूछ दिया, इजी। चलो तो वॉल्यूम कितना है, 380 इक्वल टू लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 8, हाइट कितनी है पता नहीं। अब h निकालेंगे तो 380 डिवाइडेड बाय ये 10 इंटू हाइट नीचे आ जाएगा, 0 से 0 तो ऐसे कैसे ही गया, 2 से ये हो जाएगा 19 टाइम्स, 2 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 19/4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16, बचा कितना 3, 4 7 जा 28, बचा कितना 2, 4 5 जा 20, तो 4.75, और क्या है यूनिट देखो, यूनिट मीटर, और उसने क्या कहा था, हाउ हाई मस्ट बी, ठीक है, तो दैट मच हाई इट शुड बी, ये इतना ऊंचा होना चाहिए ताकि ये 380 मीटर मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड को होल्ड कर सके, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, सपोज करो आप कोई वेसल बनवा रहे हो, ठीक है ना, आजकल तो रेडीमेड आता है, पहले बनवाते भी थे, है ना, मटेरियल खरीद के और बनवाते थे, तो आपके टारगेट्स हैं कि आपको इतना उसमें पानी या कोई भी लिक्विड रखना है, तो वो आपसे पूछेगा कितना ऊंचा बनाओ, तो आप कैलकुलेट करके तो बताओगे भाई इतना ऊंचा बना दो, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं ना, स्पेशली इस चैप्टर की, तो जितनी भी चीजें हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 की, ये सब प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, ओके। पीछे कौन बैठा है, समझ में आ रहा है, हाँ एकदम समय का, कौन बैठा है, बोल भी नहीं रहा, बोलते रहो बीच बीच में, मुझे डर लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा, फोर्थ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग मतलब खोदना, जमीन को खोदना, है ना, एक क्यूबॉइडल पिट, पिट मतलब गड्ढा, एक क्यूबॉइडल शेप में पिट खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, क्यों खोदेंगे क्यूबॉइडल शेप में, किसी को दफनाने के लिए, सही कहा उसने, हाँ क्यूबॉइडल शेप में तो तभी खोदेंगे, नहीं तो गोल मतलब सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में खोदते हैं हम खड्डा, जैसे कोई पानी वानी भरना हो तो, चलिए ठीक है, जरूरी नहीं है भाई, पानी का टैंक भी होता है। तो 8 मीटर तो वो लंबा है, 6 मीटर वो चौड़ा है, और 3 मीटर उसकी क्या है बेटा, गहराई, डेप्थ है, एट द रेट ऑफ, रेट क्या दे रखी है, 1 मीटर क्यूब की रेट है 30 रुपए। तो आपको पता करना है कि टोटल कॉस्ट कितनी हमको देनी पड़ेगी उस गड्ढे को खोदने के। भाई मजदूर ने कहा कि 1 मीटर क्यूब खुदवाओगे तो 30 रुपए लगेंगे, तो अब आपकी ये डायमेंशन है, इससे आप पता लगाओगे कि कितने मीटर क्यूब उसमें खुदाई चल रही है। चलो पता लगाओ फटाफट से, जल्दी से। लेंथ है आपकी 8 मीटर, ब्रेथ है आपकी नहीं मतलब खड्डे की 6 मीटर, और डेप्थ को अपन डी से नहीं एच से डिनोट कराएंगे, हाइट कह दो डेप्थ कह दो बातें की है, 3 मीटर। तो वॉल्यूम निकालो पहले, तो देखो इस क्वेश्चन में उसने कहीं भी निकाली वॉल्यूम निकालो, अब इसलिए नहीं कि वॉल्यूम की एक्सरसाइज चल रही है तो सर वॉल्यूम ही निकालनी होगी ना, एग्जाम में थोड़ा पता चलेगा कि उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, कैसे पता लगाएंगे कि वॉल्यूम का क्वेश्चन है, उसने कहीं तो कहा नहीं, उसने कहीं तो कहा नहीं। एक हिंट तो ये है कि आप बेसिक से चलो कि जब गड्ढा खोदेंगे तो जो वो मिट्टी निकलेगी वो उसके वॉल्यूम से ही तो निकलेगी, ठीक है। चलो ये भी नहीं समझ में आया, तो ये तो दिख रहा है साफ साफ मीटर क्यूब, रेट मीटर क्यूब की है, तो मीटर क्यूब मिलेगा, पता कैसे चलेगा कितने मीटर क्यूब, वॉल्यूम से तो मिलता है मीटर क्यूब, तो खूब सारे हिंट छुपे हुए रहते हैं क्वेश्चन में। वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ कितनी है बेटा 8, ब्रेथ कितनी है बेटा 6, एंड हाइट कितनी बेटा 3, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया, करना मल्टीप्लाई 144 मीटर क्यूब। अब रेट क्या है, डिगिंग की रेट क्या है, ₹30 per meter cube, 30 per meter cube, सो टोटल कॉस्ट विल बी, देखो रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, रेट क्या है बेटा 30, पर के लिए ये लगाते हैं, पर के लिए लगाते हैं, लेकिन आगे सिंगल मीटर क्यूब है, तो 30/1 करूंगा मैं, तो ना करूं तो भी चलेगा 30/130, लेकिन सपोज करो यहाँ पे होता जैसे 100 होता, तो फिर 30/100 लिखना होता, ऐसा भी आते हैं ना आपके क्वेश्चन,
तो इस बार नहीं है, तो इस बार आप कुछ भी मत करो, बस 30 को 30 रहने दो, बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो। कितनी क्वांटिटी है मीटर क्यूब में? 144। इसको मल्टीप्लाई कर दो, रुपीज 0 3 4 12 रिमाइंडर 1, 12 and 1 13 रिमाइंडर 1 4 3 2 0 मैच करो पीछे से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। अब कैपेसिटी देखो, वॉल्यूम जो होगा ना किसी भी लिक्विड चीज का, जो वॉल्यूम होगा ना, तो वो जनरली मीटर क्यूब या सेंटीमीटर। लेकिन उसी वॉल्यूम वर्ड को जब वो कैपेसिटी वर्ड से संबोधित करेगा, किससे? कैपेसिटी या कैपेसिटी जो भी कहते हो, तो वो फिर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? लीटर। तो इसको याद रखना, कल को आपसे कह दे कि किसी वेसल की कैपेसिटी बताओ, किसी ड्रम की या किसी टैंक की कैपेसिटी बताओ, तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करना ना भूले। चाहे से वो पूछे कि लीटर है, ना भी पूछे तो भी किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो इसने दे भी रखा है कि कैपेसिटी कितनी है बेटा, 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर है। ब्रेथ आपको निकालनी है, लेंथ और डेप्थ गिवन है, वही सेम क्वेश्चन आ गया पहले वाला। चार में से तीन चीजें गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बोलो वॉल्यूम तो गिवन है, लेंथ गिवन है क्या? लेंथ भी गिवन है 2.5। ब्रेथ कितनी गिवन है? ब्रेथ तो पूछी है। हाइट कितनी गिवन है? 10। अब वॉल्यूम गिवन तो था, अगर ये मीटर क्यूब होता, लीटर की जगह क्या होता, तो मैं यहाँ पे 50,000 ऐसे कैसे लगा देता, काम हो जाता। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये मीटर क्यूब में नहीं है, ये किसमें है? तो हमको इसको पहले मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं, अभी अभी सीखा था अपन ने। अभी आपके पास कितने लीटर्स हैं? 50,000 लीटर्स हैं। तो 50,000 लीटर्स में 50 मीटर क्यूब होंगे, सिंपल सी बात है। यानी कि 50,000 को किससे डिवाइड करूंगा मैं? 1,000 से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ना कि 50,000 आ जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ मीटर मीटर क्यूब में है। ठीक है, चलिए अब ब्रेथ निकालो, बस 2 मीटर बस। डी इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2.5 × 10। ये जो इधर है वो उधर चले जाएंगे। देखो जीरो से जीरो उड़ा दो, 5 से ढाई, यहाँ 5 से ढाई का इसको डिवाइड कराओगे, नहीं तो देखो ये डेसिमल प्लेस ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे केवल 25 रह जाएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 and 5 2 जा। So, 2 meter is the final answer. Breadth of the cuboidal tank. ठीक है बेटा? हाँ भाई, स्ट्रेट समझ में आ रहा है? अच्छे से दिखाई दे रहा है? केस तो नहीं करेगा मेरे ऊपर? जिस सर ने पैसे लेके अच्छे से नहीं पढ़ाया। अच्छा, देखो पता हो तो तू कर देगा मतलब। A village having a population of 4,000. एक गांव है, कोई सा भी गांव मान लो, गुनसी मुंडिया जलाई, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 4,000। रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। मतलब क्या हुआ? पर हेड मतलब एक आदमी, पर डे मतलब एक दिन में कितना लीटर पानी के कंज्यूम करता है, कितनी जरूरत पड़ती है उसको? 150 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, उस गांव का आदमी इतना कंज्यूम करता है मान लेते हैं। अब उसमें क्या पानी की सप्लाई के लिए एक टैंक बनाया हुआ है, और टैंक के डायमेंशंस क्या हैं? 20 × 15 × 6। आपने देखा होगा अपने जिस निवाई में भी देखा होगा, एक ओवरहेड टैंक बनाया हुआ था आपके घर के पीछे ही, तो आपके पानी अच्छा था होगा फिर, है ना? कभी भी जाओ तो ऊपर चढ़ के भर के आ जाओ। ठीक है, तो देखिए कोई छेद वेद कर लो ना, तो वहां से आता रहेगा, पाइप जोड़ लो डायरेक्ट। ठीक है, एनीवेज, तो हाउ मेनी डेज विल द वॉटर ऑफ दिस टैंक लास्ट? लास्ट का मतलब बेटा क्या होता है बेटा? खत्म होना, समाप्त होना। एक लास्ट होता है अंतिम, वो लास्ट होता है जो अंतिम वाला लास्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वो एक एडजेक्टिव होता है जो किसी भी नाउन के आगे लग सकता है, जैसे लास्ट डे, लास्ट मैन, लास्ट बॉय। और ये लास्ट होती है जो अभी लास्ट लिखा हुआ है, ये एक वर्ब है, ये क्रिया है जिसका मतलब है समाप्त होना। तो पानी कितने दिन में समाप्त होगा, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितना है टोटल? इतना है टोटल। ठीक है, तो पहले टोटल कितना है हमारे पास? वॉल्यूम निकाल लेता हूं, 20 × 15 × 16 मीटर क्यूब। निकाल लिया, बेवकूफ हो, मैंने तो काई नहीं निकालो।
अरे डिवाइड कराना है, काटेंगे ना हम, क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई? नहीं क्यों डिवाइड, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? जो भी है सिक्स है, सिक्स हाँ इधर सिक्स है ना, लेकिन सिक्स में तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको एम आई छोड़ देंगे, ठीक है। 20 × 15 × 6 दैट दिस मच ऑफ मीटर क्यूब, इतना पानी है उसके अंदर, ठीक है। अब ये तो मीटर क्यूब में है ना, उधर बातें किसकी कर रहा है, वो लीटर में कर रहा है, तो मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इंटू थाउजेंड, तो 20 × 15 × 6 × 1000 दिस मच ऑफ लीटर हो चुका है अभी ये वॉल्यूम, इतना लीटर पानी है हमारे पास। अच्छा जी, अब डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, डेली रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, डेली रिक्वायरमेंट है 150 लीटर एक आदमी की है, टोटल आदमी कितने हैं 4000, तो अगर 150 लीटर एक आदमी की है तो इंटू 4000 करूंगा, इतने लीटर डेली रिक्वायरमेंट है, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ऐसे छोड़ देना, टोटल पानी है इतना, डेली रिक्वायरमेंट है इतनी, कितने दिन चलेगा, नंबर ऑफ डेज, उसको उससे डिवाइड कर दो, समझ आया। टोटल पानी कितना है 20 × 15 × 6 × 1000, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है 150 × 4000, सो 000 से 000 गया, और 15 से ये कितनी बार गया, अच्छा 0 से 0 गया और 15 से 15 गया, क्या बचा 26 जा 12, 4 भी बचा है क्या, अच्छा तो फिर काटो, फिर तो काटो, मुझे दिखा नहीं वो 4, तो फिर तो काट दो ना, 2 से 1, 2 से 2 और 2 से 1 और 2 से 3, दिन में ही खत्म हो जाएगा टैंक, तो फिर बैठे रहो, ठीक है। तो कितने दिन में वो पानी खत्म हो जाएगा, 3 दिन में पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। तो वो अपनी बेटा एवरेज होता है, एवरेज, ये क्या होता है कि एवरेज निकालते हैं भाई, लगभग इतना लगता है, अब किसी को मान लो 140 भी लग सकता है, किसी को 160 भी लग सकता है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है तो उसका 100 में भी काम हो सकता है, कोई भारी वर्कम आदमी उसको 300 लीटर भी लगेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, तो ये एक एवरेज है लगभग अंदाजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इतना मत सोचो, और 150 लीटर का मतलब नॉर्मल है, इतना तो लगता ही होगा, कम से कम 10-20 लीटर तो पी जाता होगा आदमी दिन भर में, नहीं ओके okay, एक गोडाउन, गोडाउन समझते होंगे सब लोग, हिंदी में बोलते हैं गोदाम, गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, मतलब इंग्लिश से हिंदी बनाई ना, अंग्रेजों के वर्ड तो चुरा लिए हमने, तो अब इसको गोडाउन का हिंदी मिला नहीं तो लिख दिया गोदाम, मिलता जुलता, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनाए हमने, ऐसे एक नहीं बहुत सारे वर्ड्स हैं। चलिए, ए गोडाउन मेजर्स 40 × 25 × 15, ये गोदाम की साइज है, उसमें वुडन क्रेट्स रखे हुए हैं, लकड़ी के बने हुए क्रेट्स, क्रेट समझते हो ना, जिसमें आम आते हैं, या बहुत सारी और भी चीजें आती होंगी, जनरली अपन देखते हैं आम की पेटियां, आम अनार की पेटियां होती है, उनको बोलते हैं क्रेट्स, कोल्ड ड्रिंक भी आती है, दूध भी आता है, हाँ बोलो करो ना तो बेटा क्वेश्चन पढ़ के पहचानो ना, एग्जाम में कौन आएगा बताने कि सोल्व करना था कि नहीं करना था, ये तो खुद पहचानो। ए गोडाउन मेजर्स दिस मच ऑफ डायमेंशन है गोडाउन की, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, कितने उसमें, अच्छा एक चीज याद रखना, कभी भी नंबर पूछ लेना, नंबर जैसे पहले भी नंबर ऑफ डेज था, अभी भी नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स है, उस केस में हमेशा डिवाइड होता है, बड़े वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर × 1.25 मीटर × 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो देखो टोटल गोडाउन की डायमेंशन है ये, और एक वुडन क्रेट की डायमेंशन है ये, तो टोटल डायमेंशन को, टोटल वॉल्यूम को अगर मैं एक क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो हमको पता चल जाएगा। हाँ जी सर, ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो सो दिस इज गोडाउन, दिस इज क्रेट, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी डिवाइड करना है हमने को, तो वी विल नॉट मल्टीप्लाई। बताओ मुझे वॉल्यूम ऑफ, अरे चिकी कौन चला रहा है फोन, जब तो जाएगा फोन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इक्वल टू 40 × 25 × 15 दिस मच ऑफ मीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, या ईच क्रेट भी लिख सकते हो, अब ये क्रेट भी इंग्लिश वर्ड है, श्रेष्ठ
इधर आ मेरे पास आ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट ये हो गया, ठीक है। अब ये क्रेट भी इंग्लिश वर्ड ही है जो उसको हमने केरट करके कॉपी किया है हिंदुस्तानियों ने। तो नंबर ऑफ क्रेट्स, आपके पास बुक है सबके पास, तो बुक में ये नोट, ये चेक करो कि 14 टू 25 इनटू 15 ये सेम है क्या या कुछ चेंजेस है? सेम है बिल्कुल, अलग है ना 14 इंटू 20 1.5 1.25 0.5 एंड 40 25 15, सही है, सही है। तो 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 कर लिया ना क्वेश्चन तो तुमने सॉल्व, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसके डेसिमल प्लेसेस को हटाते हैं। तो देखो कितने डेसिमल प्लेसेस है नीचे, 1 2 3 4, तो 4 डेसिमल प्लेसेस के 0 ऊपर चले जाएंगे। अगर ये डेसिमल प्लेसेस न्यूमरेटर में होते तो 0 कहां आते, नीचे आते, और नीचे है तो कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो 40 × 25 × 15 × 4 0 दैट मींस 1000 नहीं 10000, ठीक है, 4 0 में 10,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अब सबके डेसिमल प्लेस हट चुके हैं, ये 15 बन चुका है, 1.25 क्या बन चुका है, 125 बन चुका है, और 5 0.5 क्या बन चुका है, 5 बन चुका है, ठीक है। अब सिंपली आप डिवाइड कर दो, तो 5 से 1 टाइम 5 से 3 टाइम 3 से 1 टाइम 3 से 5 टाइम 5 से 1 टाइम 5 से 5 टाइम, ओके, 5 से 1 टाइम 5 से 25 टाइम्स, 25 से सीधा काट दो, 25 4 से 100 होता है 400, और इधर क्या बचा 40, तो 40 × 400 gives me what? 1600 crates is the fine. हाँ 16,000, 3 0 आ जाएंगे 16,000 crates. हाँ जी सर, बस 2 मिनट रुक, क्या क्या देखे गए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक ठीक है ठीक है, मेरे तो बस 5 मिनट का काम है, ले ही जाऊंगा, 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। 16,000 crates is the right. चलो देखो देखो देखो, second last question देखो, 8 वाला. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. एक solid cube है मेरे पास, उसको काट दिया ऐसे, है ना, कितने parts में, 8 cubes में काट दिया। अच्छा 8 cubes में कैसे कटेगा, वो कट ही नहीं सकता, या तो 9 में कटेगा, हाँ नहीं, 8 इमेजिनेशन में सोच के तो बताओ 8 कैसे कटेगा। देखो प्लस, एक प्लस का कट लगाओ और एक यूं कट लगाओ, तो प्लस के कट में 4 पार्ट्स हो जाएंगे और एक कट यूं लगाएंगे तो 8 कट्स हो जाएंगे। सब्जी अब्जी नहीं बनाते घर पे, मम्मी कह के आलू काट के दे। चलो देखो, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। अच्छा बराबर क्यों होने चाहिए, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब एंड आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो देखो जो पहले वाला क्यूब था उसकी साइड को मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए, और जो नया क्यूब बनेगा, न्यू क्यूब बनेगा, छोटा बनेगा, तो उसकी साइड को मैं मान लेता हूँ स्मॉल ए, ठीक है। तो मुझे बताओ साइड ऑफ ओरिजिनल क्यूब लिख लो उसको, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए, कितना है ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेट द साइड ऑफ, नहीं उसकी साइड तो निकालनी है ना अपने को, चलो इसका, इसकी साइड पता है तो उसकी वॉल्यूम पता करो, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ए क्यूब मतलब 12 × 12 × 12 मल्टीप्लाई मत करना दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। देखो जब भी नंबर पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है क्या इसमें, नंबर नहीं पूछ रहा है, पर फिर भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ रेशियो पूछ रहा है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, 12 × 12 × 12 ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। अब ये टोटल वॉल्यूम कितने में डिवाइड हो रहा है, 8 में, तो इस टोटल वॉल्यूम को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो नए क्यूब का वॉल्यूम मिलेगा, मिलेगा। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने हैं हमारे पास, 8, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने हैं 8, तो वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब क्या होगा, ये जितना भी वॉल्यूम है उसको 8 से डिवाइड कर देता हूं, यानी 12 × 12 × 12 डिवाइडेड बाय 8, क्यों, अरे
ये टोटल वॉल्यूम है, सपोज करो टोटल वॉल्यूम है 8000, तो 8 से डिवाइड होगा तो एक का वॉल्यूम कितना आएगा, 1000 आएगा ना। अभी अपन ने मल्टीप्लाई नहीं किया, अपन ने ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दिया, तो उसका मतलब थोड़ा ना कि 8 को 3 बार करेंगे, 8 एक बार ही होगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, जितना कट रहा है काट दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्या आया, क्या आया बोलो, 12 into 6 into 3। अब इसको भी मल्टीप्लाई मत करो, इतना ही छोड़ दो। तो ये छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम आ चुका है। और छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम अगर मैं फॉर्मूला से निकालता तो ए क्यूब लिखता उसको, स्मॉल ए क्यूब, और वो आ चुका है, कितना आ चुका है, ये आ चुका है 12 into 6 into 3, और मुझे छोटे वाले क्यूब की साइड चाहिए ना, ए चाहिए, तो यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। क्यूब रूट का मतलब है आपको तीन तीन के ग्रुप्स बनाना है, पहले फैक्टराइज करना है। 12 को फैक्टराइज करो 2 into 2 into 3, 6 को फैक्टराइज करना 2 into 3, और 3 तो केवल सिंपली 3। इसमें से आप तीन तीन के ग्रुप्स बनाओ, बन रहे हैं क्या, बिल्कुल बनेंगे। देखो 2 into 2 into 2, 2 का ग्रुप बन गया, 3 into 3 into 3, 3 का ग्रुप बन गया, 2 3 जा 6 meter, 6 centimeters ही बना ना, मीटर भी नहीं सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में, 6 centimeter हो गई मेरी, किसकी, साइड ऑफ ईच न्यू क्यूब हो गई। तो एक क्वेश्चन तो कंप्लीट, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया के बीच का रेशियो निकालो। तो सरफेस एरिया 1 divided by surface area 2, इस बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया कैपिटल एस मान लो, छोटे वाले उसका सरफेस एरिया स्मॉल एस मान लो, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज विल बी इक्वल टू कैपिटल एस डिवाइडेड बाय स्मॉल एस। सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा, कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं, तो ऐसे ही कह रहा हूं, सरफेस एरिया टोटल सरफेस होता है, क्या फॉर्मूला होगा, 6a square, तो बड़े वाले के लिए 6 capital A square, छोटे वाले के लिए 6 6 से 6 तो गया, a कैपिटल a कितना था 12, तो 12 into 12, स्मॉल a कितना था अभी अभी निकाला है हमने 6 6 into 6 6 से 1 6 से 2 6 से 1 6 से 2, तो 4 by 1, दैट मीन्स रेशियो क्या हो गया, 4:1 फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट एंड फाइनल। ए रिवर 3 meter डीप एंड 40 meter वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ दिस, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी। कभी पूछने कितना पानी बह रहा है, कितना पानी गिरेगा, यानी पानी का वॉल्यूम चाहिए उसको। अब नदी किस शेप में है हमको पता नहीं जनरली, लेकिन उसने डायमेंशन क्या दी है उससे अपन शेप कंसिडर करेंगे। उसने एक तो विड्थ दी है, एक डेप्थ दी है, तो विड्थ और डेप्थ से पता चल रहा है कि क्यूबॉइड मानेंगे हम इसको, बस उस क्यूबॉइड की लेंथ मिसिंग है। उस क्यूबॉइड की क्या मिसिंग है, लेंथ, मतलब क्या होगा, अब नदी फिक्स थोड़ी ना इतनी ही रहेगी, नदी तो बहुत किलोमीटर लंबी होती है, तो हम क्या मानेंगे, उस नदी के अंदर जो पानी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस ट्रेवल ही उसकी लंबाई मानते, समझ में आई बात। और डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, क्योंकि उसने स्पीड दे रखी है और उसने ए मिनट टाइम भी दे रखा है, तो स्पीड एंड टाइम की मदद से डिस्टेंस आ जाएगा, और इस डिस्टेंस को ही अपन लेंथ मान लेंगे, और ब्रेथ और हाइट गिवन है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, खत्म। ठीक है, चलिए बताओ स्पीड क्या गिवन है जल्दी से, 2 kilometer per hour, 2 kilometer per hour, और टाइम क्या गिवन है, टाइम क्या गिवन है, 1 minute। अब 1 minute है लेकिन स्पीड सेकंड्स में क्यों उल्टा आर में कन्वर्ट करो, क्योंकि उधर 2 kilometer per hour है, समझ रहे हो, तो 1 minute। तो टाइम कैसे निकालते हैं अपन, बोल टाइम तो निकला हुआ है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अच्छा टाइम को पहले उसमें कन्वर्ट कर दो, तो 1 minute मतलब 1/60 hours, डिवाइड करोगे ना 1/60 hours, चलिए तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है 2, टाइम क्या है 1/60, और ये डिस्टेंस जो है किलोमीटर में निकलेगी, क्योंकि स्पीड भी किलोमीटर में है, तो दिस मच ऑफ किलोमीटर, तो 1/30 kilometer। ठीक है, अब आप ये देखो कि वहां पे डेप्थ और विड्थ मीटर में, तो इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देता हूं, into 1000, तो into 1000 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 100 by 3 meters। अब लेंथ आ गई आपके पास, अब आपके पास नई चीज आ गई कि ये तो हो गई लेंथ 100 by 3 meters, और ब्रेथ और हाइट गिवन ही है, कितनी है ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, विड्थ देखो 40 meter, और डेप्थ, डेप्थ को मैं एच से डिनोट करूंगा, कितनी है 3 meter। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि 100 by 3
इंटू ब्रेथ कितनी है 40 इंटू हाइट, 3 से 3 खत्म, और ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी, तो मीटर क्यूब में आएगा आंसर 4000 मीटर क्यूब आंसर। ठीक है, समझ आया, खत्म। रिस्क नहीं लेना चाहते कई सर, और एक्सरसाइज ना शुरू कर दें उससे पहले ही भाग लो। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।